ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरफ रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि यहाँ पे डेस्कटॉप का दिया गया है उसमें हमने बता दिया कि लैपटॉप को ओपन कैसे करना है, उसके बाद उसके पावर बटन को प्रेस करना है। इसमें सामने दिया गया सीपीयू के पावर बटन को आपको प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर यहाँ पे उस चीज को नहीं दिखाया गया, आप उनको बताओगे कि ये आपका जो भी पावर सप्लाई से चलता है, बिजली से चलता है, ये कनेक्ट है सब कुछ, तो हमें सिर्फ इसके पावर बटन को ऑन करना है। अगर यूपीएस लगा हुआ है तो आप यूपीएस के पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अगर नहीं लगा है, सिस्टम डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट है, तो स्विच को ऑन कर देंगे और उसके बाद इसके सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करेंगे, तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। सबका कंप्यूटर ऑन हो गया? डेस्कटॉप आ गया सबका? यस, ठीक है। आज की कक्षा में आप सीखेंगे कि एमएस पेंट क्या होता है। इतना कराने के बाद, उनको कंप्यूटर ऑन कराने के बाद उनका चेक करना है आपको कि सबने ऑन किया है या नहीं, क्योंकि ये क्लास 2 है, अभी उनको प्रॉब्लम हो सकती है ऑन करने में। तो अगर किसी ने ऑन नहीं किया तो क्या करना है आपको, घूम के अपने क्लास में सबके सिस्टम को देखना है उन्होंने ऑन किया या नहीं। अगर किसी का रह गया तो उनको फिर वो तरीका बताना है कि कैसे उनको ऑन करना है उसे कंप्यूटर को, फिर क्लास आगे बढ़ेगी।